आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव परियावली पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 8 किलोमीटर दूर है। 2500 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान ताहिर हुसैन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों को राशन व आर्थिक मदद देकर काफी सहयोग किया गया है। ग्राम प्रधान ताहिर हुसैन और सचिव पवन कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के परियावली ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद की गई है और क्या कोशिशें उनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम यहाँ प्रधान जी से जानकारी लेकर के आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपका कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, तो जो समय बीता है इसमें क्या क्या विकास कार्य आपके गाँव में करवा दिए? विकास कार्य गाँव के अंदर सब सीसी रोड कराए हैं, सीसी टाइल रोड जी, और स्कूल की बाउंड्री कराई है और शौचालय बनवाए हैं और आवास भी बनवाए हैं गरीबों के। आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं लोगों को। जो आपने सीसी टाइल से सड़कें जो बनवाई हैं, तो क्या गांव में अभी भी कच्चे रास्ते बाकी बचे हैं या लगभग पूरी तरह से कीचड़? पूरी तरह से कच्चे रास्ते नहीं बचे हैं, पूरे हो चुके हैं। जो बचे हैं दो चार वो करा दिए जाएंगे। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवासों की जरूरत है लगभग 75 परिवार अभी हैं ऐसे, जिसमें हमारे 46 परिवारों को चयनित कर दिया गया है जी। तो जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या और जो किसानों को सम्मान निधि का पैसा जो उनके खाते में आ रहा है, मतलब इस तरह की जो भी योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती है, आपके ग्राम पंचायत में क्या सभी ग्रामवासी सभी योजनाओं का लाभ पूरा पूरा ले पाते हैं? हाँ, पूरा पूरा लाभ मिल जाता है, सभी को मिलता है। बिजली का, गैस का, हर चीज का लाभ मिल जाता है जी। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई? हाँ, सोलर लाइट लगवाई। डस्टबिन रखवाए हैं? डस्टबिन भी लगवाए हैं और सर उसकी बिजली वाली लाइट वाली लगवाई है जी। साफ सफाई की कैसी यहाँ पर व्यवस्था है? साफ सफाई पूरी तरीके से साफ सफाई करवा दी गई है और सर लॉकडाउन में जो मदद चल रहा है कोरोना जी, इसमें हमने मास्क भी बनवाया है जी, गाँव में सैनिटाइज भी करवाया, सैनिटाइज करवाया, सफाई करवाई। सरकार से मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि और थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए तो और सौंदर्यकरण गाँव में आ जाए जी। जैसे कि बारात घर, यहाँ पर बारात घर मिल जाए और एक अस्पताल मिल जाए जी। और कोई समस्या ऐसी गांव में आपको लगती है कि जो लगता है कि गांव के डेवलपमेंट के बीच में, मतलब अगर सरकार की तरफ से मदद मिले तो उस समस्या का सबसे पहले हल हो तो गांव आगे और ज़्यादा डेवलप होगा? वो हमारे ग्राम सभा छोटी है, बड़ी है, उसमें हम चाहते हैं कि उसमें जो है गरीब होकर आवासीय पट्टे काट दिए जाए जी जी। मगर वो आवासीय पट्टे हम जो लोग गाँव में जो मालदार है वो मांग ज्यादा करते हैं, झगड़े उनसे कट नहीं पा रहे जी। विवाद यहाँ पर अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है लेकिन कोरोना महामारी कम नहीं हुई है, बल्कि दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है। लॉकडाउन जारी है लेकिन अनलॉक है, कई जगह पर देखा जा रहा है कि लोग बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं, मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है, लापरवाही लोग जो है चल रही है लोगों में, तो इसके लिए अपने ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रामवासियों से चल जाए तो हर आदमी मास्क लगा के निकले और 2-3 मीटर की दूरी पर रहे और अपनी जिम्मेदारी छोटे से शुरू करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते कार्यकाल में जो अब तक का समय बीत चुका है 4-4.5 साल, इसमें काफी विकास ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, लगभग कुछ ही रास्ते यहाँ कच्चे बाकी बचे हैं, लगभग पूरी तरह से गांव के सभी रास्ते पूरे हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। कुछ लोगों को यहां आवास भी मिले हैं लेकिन 75 परिवार आज भी यहां ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। इसके साथ ही स्कूल में भी सौंदर्यकरण का काफी काम करवाया गया है। अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी है, जैसे की बारात घर जो निर्मित ही नहीं है, पंचायत घर जिसकी हालत काफी जर्जर है, जिसे नव निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया जा चुका है,
अस्पताल को लेकर भी यहाँ प्रमुख मांग रखी गई है। अशरफ अली के साथ नाजरीन सूर्य दिल।